नए साल के आगमन को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर। वहीं भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी नए साल के स्वागत के लिए कितनी तैयार है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। पिछले वर्ष काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की वजह से लाखों की संख्या में लोगों ने साल के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और इस वर्ष पहले से भी ज्यादा की संख्या में उम्मीद की जा रही है कि यहां लोग आएंगे। यहां के होटल और धर्मशालाएं अभी से फुल नजर आ रहे हैं और होटल व्यवसायी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त होटल की अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो गई है क्योंकि हमारे यहाँ टूरिस्ट बहुत आ रहा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से और एक जनरल माहौल बनारस में आने का मतलब बहुत टूरिस्ट चाहे विदेशी हो चाहे अपने मुल्क के हों वो आ रहे हैं और उसकी वजह से होटल की ऑक्यूपेंसी काफ़ी बढ़ गई है। विश्वनाथ कॉरिडोर नमो घाट इसके वजह से और जो भी विकास कार्य हुए हैं पर्यटक पहले से बहुत अधिक संख्या में बढ़े हैं और आगे भी बहुत अधिक बढ़ेंगे और पिछली बार करीब 5 लाख दर्शनार्थी दर्शन किए थे नए साल पे। इस बार भी उम्मीद है कि उससे बढ़ चढ़ के ही दर्शनार्थी दर्शन करेंगे और रहेंगे। होटल मालिकों का कहना है कि काशी विश्वनाथ धाम के कारण पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है और इसका लाभ छोटे बड़े सभी पर्यटन से जुड़े लोगों को मिल रहा है। वहीं पर्यटक भी काशी विश्वनाथ धाम और वाराणसी में हुए विकास कार्यों को देखकर अभिभूत है और यहाँ के सुविधा सुरक्षा से बहुत प्रभावित नजर आ रहे हैं। हमें इतना यूपी के लिए हमको इतना क्रेज था कि कब ये इतना सब बनारस के बारे में सुन के कि बनारस बहुत अच्छा बना दिया है, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन बहुत इजी हो गए हैं, मंदिर बहुत बड़ा बनाया है, तो हम लोगों को भी एक्साइटमेंट हुआ। हम लोग ने इस छुट्टी में जो नाताल की ठंड न्यू ईयर मनाने के लिए हम स्पेशली हम लोग आए हैं इधर यहाँ पर। मैं बनारस न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट करने के लिए अपनी मम्मी और मौसी के साथ एक ऑल गर्ल्स ट्रिप पे आई हूँ, तो सभी कोई न्यू ईयर्स मनाने के लिए मुंबई जाते हैं गोवा जाते हैं, बट हमने सोचा कि नहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक अच्छा ये करेंगे, तो इसके लिए हम बनारस आए हैं। वाराणसी धार्मिक प्राचीन नगरी रही है लेकिन यहाँ पर अब हुए विकास कार्य उसके पर्यटन को जहाँ 4 चांद लगा रहे हैं वहीं स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ा रहे हैं। पर्यटक खुद बोले कि सुरक्षा और सुविधा जिस शहर में मौजूद है तो पर्यटकों की संख्या तो बढ़ेगी ही और यहाँ पर भी भारी संख्या आ रही है पर्यटकों की नए साल पर। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी।